पेपा और उसकी फैमिली सिनेमा घर में फिल्म देख रहे हैं। मम्मी मुझे टॉयलेट जाना होगा। ठीक है पेपा, एक बाहर ही है, वहाँ चलते हैं। सुनो पेपा और मैं टॉयलेट होकर आते हैं। टॉयलेट, बढ़िया आइडिया है। अरे रे, टॉयलेट तो सफाई के लिए बंद किया गया है। लेकिन मुझे जल्दी जाना है। सड़क के उस पार एक पब्लिक टॉयलेट है, सारे मेरे पीछे पीछे आओ। डाइनोसॉर। पेपा और उसकी फैमिली को टॉयलेट मिल गया है। ये रहा टॉयलेट पेपा, कतार में खड़ी हो जाओ। माफ कीजिए, कतार यहाँ से नहीं शुरू होती है, वहाँ से। लेकिन टॉयलेट के लिए कतार बहुत बहुत लंबी है। मुझे नहीं लगता मैं इतनी देर रुक पाऊंगी। सुपरमार्केट में एक टॉयलेट है, चलो वहाँ देखते हैं। पेपा, मम्मी पिग, डैडी पिग और जॉर्ज हर जगह टॉयलेट की तलाश करते हैं। वे सुपरमार्केट में ट्राई करते हैं। वे जू में भी ट्राई करते हैं। सॉरी पेपा, ये टॉयलेट खराब है। यहाँ तक कि वे टॉयलेट शॉप भी ट्राई करते हैं। सॉरी, लेकिन ये सभी टॉयलेट सिर्फ देखने के लिए ही है। यहाँ कहीं भी कोई टॉयलेट नहीं है। अरे रे, अब मुझे भी टॉयलेट जाना है। मुझे भी। देखो, सिनेमा घर का टॉयलेट फिर से खुल गया। वाह! आखिरकार पेपा और उसकी फैमिली फिल्म देखने वापस आ गए। डायनासोर। लेकिन अब फिल्म खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि हमें ये शुरू से देखनी होगी। अब भी बता दो, किसी को टॉयलेट जाना है? पेपा और सूजी शीप ने आज कपड़े उल्टे पहनने का फैसला किया है। गुड बाय सूजी। गुड बाय पेपा। पेपा, सूजी, तुमने अपने कपड़े उल्टे क्यों पहन रखे हैं? और तुम दोनों पीछे की तरफ क्यों चल रहे हो? क्योंकि आज है बैकवर्ड्स डे। आज आप सब उल्टा बोलते और करते हैं। मैं नहीं, हम नहीं करते। वाह, मजे करो। बिल्कुल नहीं। पेपा और सूजी शीप बगीचे में पीछे की तरफ से एक दूसरे को दौड़ा रहे हैं। सूजी, मुझे पकड़ने की कोशिश करो। पीछे की तरफ वाले खेल खेलना बहुत मुश्किल है। तुम कहाँ गए सूजी? आ रही हूँ। मुझे पता है, चलो पार्क में बैकवर्ड्स गेम खेलते हैं। मिस्टर बुल पेपा और सूजी शीप को पीछे की तरफ उछलते देखकर काफी उलझन में पड़ गए। गुड मॉर्निंग, हम पीछे क्यों जा रहे हैं? आज बैकवर्ड्स डे है, हमें सब कुछ करना है बैकवर्ड्स। क्या? बैकवर्ड्स डे आ चुका है? मैं भी अपनी बैकवर्ड ड्रिल्स तैयार करता हूँ। अरे ओ, माफ करना। पेपा और सूजी शीप पार्क में खेलकर अपना बैकवर्ड्स डे बिताती है। पीछे
से झूलना वैसे ही लगता है जैसे आगे से झूलना। लेकिन सारे खेल पीछे से खेलने में मजेदार नहीं होते। ये पीछे से है, नहीं ये पीछे से है। चलो फ्रिस्बी को पीछे से खेलते हैं। पकड़ो। किस किस को चाहिए आइसक्रीम? ये। ओ, मेरा मतलब नहीं। तुम लोग मजेदार बैकवर्ड्स डे बना रहे हो। मैं अपनी आइसक्रीम खाऊंगी पीछे से। ऊपर से नीचे की तरफ होना पीछे होने जैसा नहीं है। ये सब काफी उलझन वाला है। मुझे लगता है बैकवर्ड्स डे अब शायद खत्म हो गया है। पेपा और सूजी शीप ने बैकवर्ड्स डे के मजे लिए, लेकिन वो बहुत खुश है कि चीजें अब बैकवर्ड्स नहीं रही। वो कार वाकई कितनी तेजी से गई है। चिंता मत करो, इसी वजह से जरूरी है रुकना, इधर उधर देखना, सुनना और सड़क पार करने से पहले हमेशा ग्रीन मैन का इंतजार करना। द ग्रीन मैन। बच्चों आपको याद है ना कि हमने क्या सीखा था? रुको, इधर उधर देखो और सुनो। सब ठीक है, कोई कार नहीं है। चलो चलते हैं, अब पार करना सुरक्षित है। हेलो डैडी। हेलो पेपा, पेपा का प्ले ग्रुप। हेलो डैडी पिग। ओह हरी बत्ती, चलो मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया पुलिस ऑफिसर पांडा। दिन भर का यही काम है। पेपा पुलिस ऑफिसर पांडा की मदद कर रही है ताकि सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। नहीं, एमिली तुम्हें सड़क पर अपने ही साइड पर रहना होगा। सॉरी पेपा, मेरा पहिया फंस गया है। हम तुम्हारी मदद करते हैं। हम सड़क को कार और लोगों के लिए सुरक्षित बनाते हैं। पेड्रो ने ध्यान नहीं दिया कि ग्रीन मैन रेड हो गया है। पेड्रो, रेड मैन का मतलब है रुको, चलो मत। शुक्रिया पेपा। दिन भर का यही काम है। अरे वो देखो, फ्रेडी ने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं। हमें लुटेरे को पकड़ना होगा। लाल बत्ती का मतलब है रुको। ये रहा, यहाँ। हमने अब उसे पकड़ लिया है। फ्रेडी, क्या तुम लुटेरे हो जो तुमने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं? नहीं, मुझे धारीदार कपड़े पसंद है। तो तुम लुटेरे नहीं हो? नहीं। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो, लेकिन तेज रफ्तार से नहीं। ठीक है, अलविदा पेपा। बहुत बढ़िया ऑफिसर पेपा, अब सबको याद हो गया है रुकना, देखना और सुनना और तभी जाना जब वो देखते हैं। ग्रीन मैन। इसका मतलब हम जा सकते हैं। दिन भर का यही काम है ऑफिसर पांडा। पेपा को सभी की सुरक्षा करना और सभी को सुरक्षित महसूस करना अच्छा लगता है। ग्रुप के लिए तैयार होने का समय हो गया है पेपा। हेलो सांता, आप फिर से आ गए। आज पेपा का क्रिसमस की छुट्टियों के बाद प्ले ग्रुप में पहला दिन है। नहीं मम्मी, ये तो मैं हूँ। लेकिन पेपा नहीं चाहती कि क्रिसमस अभी खत्म हो। ओ पेपा, ये कपड़े तो काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्ले ग्रुप के लिए सही नहीं है। लेकिन मुझे सांता की तरह कपड़े पहनना पसंद है। मैं नहीं चाहती क्रिसमस खत्म हो, कितना मजेदार होता है। मुझे पता है, लेकिन प्ले ग्रुप भी खूब मजेदार हो सकता है। तुम जाओ और अपने बैकपैक में चीजें रखो। कूल
गुड मॉर्निंग पेपा, तुम्हारा ये बैग तो काफी भरा हुआ है और काफी भारी भी। अरे तुमने इसमें क्या रखा है? बस प्ले ग्रुप में चमक लाने के लिए कुछ चमकती हुई चीजें। अच्छा, सांता की तरफ से एक खिलौना। अरे वाह, कुछ कैंडी केन्स। स्वादिष्ट। ओह, और कुछ ब्रसल स्प्राउट्स। शायद तुम्हें प्ले ग्रुप के लिए एक थोड़ी और काम की चीजें लानी चाहिए। जैसे क्या? शायद रंग भरने के लिए कुछ क्रेयॉन, कुछ स्वादिष्ट फल और पढ़ने के लिए किताब। ओह, सांता मेरे लिए वो किताब लाए थे। वो बढ़िया आइडिया है। जाने का समय हो गया पेपा। ओह, क्या हम स्लेट से प्ले ग्रुप जा सकते हैं? मुझे तेज जाना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता पेपा, बर्फ तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि स्नोमैन भी लगभग जा चुका है। मुझे लगता है कि आज हमें कार से जाना होगा पेपा। ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुम क्रिसमस के खत्म होने से दुखी हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि प्ले ग्रुप भी उतना ही मजेदार हो सकता है। आज सुबह प्ले ग्रुप के सभी लोग पेपा को देखकर काफी खुश होते हैं। वेलकम बैक पेपा, क्या तुम्हारी क्रिसमस की छुट्टी मजेदार रही? हाय पेपा, क्या तुम मेरे साथ ड्रेसअप खेलना चाहोगी? अरे हाँ, मुझे ड्रेसअप करना पसंद है। या हम किताब पढ़ सकते हैं। सांता ने मुझे एक नई किताब दी है। चलो अपने स्कूटर पर एक दूसरे से रेस लगाते हैं। अरे हाँ जरूर। प्ले ग्रुप भी क्रिसमस की तरह ही मजेदार है। पेपा को क्रिसमस वाकई पसंद है, लेकिन पेपा को वापस प्ले ग्रुप जाना भी अच्छा लगता है। सभी को प्ले ग्रुप जाना अच्छा लगता है। बेबी अलेक्जेंडर और उसकी फैमिली हैप्पी क्रिसमस बोलने आई है, लेकिन बेबी अलेक्जेंडर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेबी अलेक्जेंडर क्यों रो रहा है? क्रिसमस मजेदार होता है। वैसे बेबी अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस है, उसे नहीं पता ये कितना मजेदार हो सकता है। तब तो ये और भी स्पेशल होना चाहिए। मैं उसे अपनी सारी पसंदीदा क्रिसमस की चीजें दिखाऊंगी। मुझे क्रिसमस डिनर काफी पसंद है। इसमें गाजर, आलू, स्प्राउट्स। नहीं, तुम्हें इसे खाना है, इसे फेंकना नहीं है। चलो कुछ और आजमाएं। टॉफी रैप करना वाकई मजेदार है। आप बुक को ऊपर लगा सकते हैं। नहीं, हमें उन्हें रैप करना होगा ताकि बाकी लोग उन्हें खोल सके। बेबी अलेक्जेंडर को लगता है कि तोहफे रैप करने की बजाय उन्हें खोलने में ज्यादा मजा आता है। मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर को क्रिसमस बिल्कुल ही पसंद नहीं। अच्छा, उसे तो तुम्हारे साथ मजा आ रहा है। लेकिन मैं चाहती थी कि ये उसके लिए थोड़ा और खास हो। अपने चचेरे भाई के साथ क्रिसमस बिताना काफी खास है पेपा। पर वो सब गलत कर रहा है। अलेक्जेंडर अभी बस एक बच्चा है, शायद तुम्हें उसे कुछ आसान सी चीजें करने के लिए देनी चाहिए। क्रिसमस बच्चों के लिए? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। बेबी अलेक्जेंडर को क्रिसमस के तोहफे पास करने में मजा आ रहा है। थैंक यू अलेक्जेंडर, ये तोहफा मम्मी के लिए। और उसे क्रिसमस क्राफ्ट वाकई पसंद है। बहुत अच्छा किया अलेक्जेंडर। और म्यूजिक भी। Jingle bell, jingle all the way. Oh,
what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. लेकिन उसे सबसे ज्यादा पेपा के साथ क्रिसमस मनाना पसंद है। अब हमें अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस हमेशा याद रहेगा। पेपा और उसके दोस्त सिनेमा देखने जाते हैं। उन्होंने अभी अभी वेजिटेबल्स इन स्पेस 2 नाम की फिल्म देखी है। परेशान मत हो पेड्रो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। सभी ने फिल्म के इतने मजे लिए कि अब वो नाटक कर रहे हैं जैसे वो खुद इसमें हो। क्या तुम मेरे घर पर स्पेस में सब्जियां खेलना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? सभी खेल के लिए तैयार होने को लेकर काफी जोश में हैं। पेड्रो पोनी अंतरिक्ष यात्री बना है। सूजी शीप रोबोट बनी है। जेरल्ड जिराफ एलियन बना है। और पेपा स्पेस हीरो बनी है। चलो बाहर चलते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम चांद पर हैं। अरे वाह! मेरे पीछे आओ। प्यू प्यू। पेपा और उसके दोस्त फिल्म की तरह ही चांद पर होने की कल्पना कर रहे हैं। सभी को चांद पर तैरने का नाटक करने में बहुत मजा आता है। बढ़िया आइडिया जेरल। हम ड्राइव करने के लिए रॉकेट कार्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे रे, सभी के लिए रॉकेट कार्स तो नहीं है। क्या तुम मेरी कार में चलना चाहोगी सूजी? बस बस। ओ। सूजी अपने जूतों को रॉकेट बूट्स जैसा दिखाने का नाटक कर रही है। अब सभी चांद को मजेदार तरीके से जान सकते हैं। यहाँ चांद पर एक ही चीज है, चांद। पीप। चांद बना है चीज से। तो लंच के लिए थोड़ा चीज ढूंढ ले। हाँ बिल्कुल। वो क्या था? ये क्या था? चांद का दाना? नहीं पापा, मैं हूँ तुम्हारा डैडी। और मैं तुम सब के लिए लंच में चीज सैंडविचेस लाया हूँ। चांद पर खेलने की कल्पना करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन हर किसी को लंच टाइम और भी ज्यादा अच्छा लगता है। समंदर के किनारे एडवेंचर के लिए कौन कौन तैयार है? पेपा और उसकी फैमिली आज के दिन बाहर जा रहे हैं। अरे रे, मुझे लगता है कि मैं कार में पेट्रोल डालना भूल गई। कोई बात नहीं, चलो बीच पर ट्रेन से चलते हैं। पेपा और उसकी फैमिली समंदर के किनारे जाने के लिए ट्रेन ले रहे हैं। हाँ, टिकट दिखाइए। हम समंदर के किनारे जा रहे हैं और मम्मी कार में पेट्रोल डलवाना भूल गई। कितना रोमांचक है, मुझे समंदर का किनारा पसंद है। मुझे लगता है कि लंच का समय हो गया है पापा। चलो खाने के डिब्बे की ओर चले। डैडी पिग और पापा ट्रेन में खाने वाले डिब्बे तक जा रहे हैं। ट्रेन काफी हिलडुल रही है। ये डिब्बा उन यात्रियों के लिए है जो सोना चाहते हैं। ये डिब्बा जरूर उन लोगों के लिए होगा जो ट्रेन में खेलना चाहते हैं। वाह! हाय डैनी, हाय जेरल। ये शायद सिनेमा वाला डिब्बा होना चाहिए। माफ कीजिएगा। पेपा और डैडी पिग को खाने वाला डिब्बा मिल गया है। ये
जरूर उन लोगों का डिब्बा है जो लंच करना चाहते हैं। क्या ये गड़गड़ाहट आपके पेट में हो रही है डैडी? मुझे अफसोस है कि ट्रेन खराब हो गई है। अरे रे, अब हमें बस लेनी होगी। अब पेपा की फैमिली समंदर के किनारे जाने के लिए बस पकड़ने का इंतजार कर रही है। सब चढ़ जाएं। अगला स्टॉप समंदर का किनारा। बस खराब हो गई है। मुझे लगता है फिर से कोई पेट्रोल डलवाना भूल गया। अब हम समंदर के किनारे कैसे जाएंगे? क्यों ना हम पैदल चलें? समंदर का किनारा बस पहाड़ी के नीचे ही है। ये समंदर के किनारे की सबसे अच्छी ट्रिप थी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम घर वापस कैसे जाएंगे। मिल गया। ये तो बड़ा सा है। दादी पिग पेपा और जॉर्ज से लंच के लिए कुछ फल और सब्जियां ढूंढने के लिए कहती हैं। लिस्ट में पहली चीज है वो फल जिसका रंग हो सकता है लाल या हरा। तुम्हें क्या लगता है ये क्या हो सकता है? जॉर्ज, हमारे पास खाने का समय नहीं है। हमें लंच के लिए फल ढूंढने होंगे। सेब, वो लाल या हरे हो सकते हैं। अगली चीज हमें ढूंढनी होगी एक लंबी सब्जी जो नारंगी रंग की हो और हो कुरकुरी। मुझे पता है, रिबेका रैबिट हमेशा प्ले ग्रुप में गाजर लाती है। वो लंबे नारंगी और कुरकुरे होते हैं। दादाजी, गाजर के पेड़ कहाँ है? सारी सब्जियाँ पेड़ों पर नहीं उगती, कुछ सब्जियाँ जमीन के अंदर भी उगती है। मैं मदद करती हूँ जॉर्ज। लिस्ट में अगली चीज है वो सब्जी जो दिखती है छोटे पेड़ों जैसी। दादाजी, मुझे सिर्फ बड़े पेड़ दिख रहे हैं, छोटे बिल्कुल नहीं। ये तो छोटे पेड़ों जैसे लग रहे हैं। ये है ब्रोकली। बहुत बढ़िया पेपा। लिस्ट में आखिरी चीज है संतरे। अजीब बात है, मुझे नहीं लगता मैंने कोई संतरे उगाए हैं। अगर यहाँ संतरे हैं, तो मैं और जॉर्ज उन्हें ढूंढ निकालेंगे। दादाजी, पेपा और जॉर्ज हर तरफ संतरे को ढूंढ रहे हैं। संतरा। रंग तो सही है, लेकिन हम ये चीज नहीं ढूंढ रहे हैं। संतरे होते हैं गोल, लेकिन उन्हें संतरे कहीं भी नहीं मिलते हैं। हमें संतरा मिल गया। ये एकदम सही रंग है और ये गोल भी है, लेकिन ये कद्दू है। संतरे। आपको ये संतरे कहाँ से मिले दादी जी? हम इन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। सुपरमार्केट से, और क्या। पेपा और उसका परिवार बेबी अलेक्जेंडर को चर्की वाले बड़े से झूले पर ले जा रहे हैं, पर वो ज्यादा खुश नहीं लग रहा। ये बदबू कैसी है? ये तो बेबी अलेक्जेंडर से आ रही है, इसकी नैपी बदलनी होगी। पर हम तो चरखी झूले के लाइन में सबसे आगे पहुंच चुके हैं। सब अपनी नाक बंद कर लो। इस चरखी झूले में कितनी बदबू है। सॉरी पेपा, पर बेबी अलेक्जेंडर की देखभाल करना हमारा काम है।
अगर हम अब मदद करेंगे तो बाद में खेल सकते हैं। हाँ, बेबी अलेक्जेंडर को हमारी मदद चाहिए। ये हुई ना बात, अब चलते हैं और नैपी बदलने के लिए जगह ढूंढते हैं। वहाँ ठीक रहेगा। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं। अरे रे, यहाँ तो बिल्कुल नहीं। यहाँ। शाबाश पापा, हमें नापी बदलने की जगह मिल गई है। सबसे पहले हमें खराब नापी हटानी होगी और उसे कचरे के डिब्बे में डालना होगा। कचरे का डिब्बा कहाँ है? ये रहा डैडी। ऐसा करने के बाद हमें अपने हाथ जरूर धोने चाहिए। थोड़ी सी क्रीम लगानी चाहिए। ओह, सॉरी पापा, हो ही गई। आखिर साफ सुथरी नैपी। डैडी, मैं भी थोड़ा सा करके देखूं। बिल्कुल पापा। अरे वाह, अब बढ़िया है। ये कितना मजेदार था। मैंने पहले कभी नापी नहीं बदली थी। तुमने बहुत अच्छे से बदली है पापा। लेकिन क्या तुम जानती हो कि नापी बदलने से भी ज्यादा मजेदार क्या है? चरखी वाला झूला। आज पापा और उसका परिवार बतख के तालाब की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में लोहे का एक बैरियर है। माफ करना दोस्तों, रास्ता बंद है। लेकिन हम लगभग तालाब तक पहुँच ही गए हैं। मुझे डर है यहाँ काफी फिसलन होगी। चमकीले लाल एरो वाले डाइवर्जन साइंस को देखकर चलते जाएं। आप जल्दी पहुँच जाओगे। डाइवर्जन का मतलब है कि आपको दूसरे रास्ते पर से जाना है। चलो सब चले। जल्दी मिलेंगे बतख। ये रहा। पापा को पहला चमकीला लाल एरो मिल गया है और एक और मिला। और एक और मिला। लेकिन आगे वाला निशान तो नीचे गिरा है। उठ जाओ श्रीमान निशान। किसी को नहीं पता कौन से रास्ते पर जाना है। हम दाएं जाएं या बाएं? लगता है दाएं तरफ जाना ही ठीक है। क्या हम खो गए हैं? हाँ, हम खो ही नहीं हैं। हम बस ये नहीं जानते कि हम कहाँ पर हैं। जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, तो आप शायद खो चुके होते हैं। देखो बतख। हेलो बतख। माफ कीजिए श्रीमती बतख, क्या आप जानती हैं बतख का तालाब कहाँ है? क्या खूब किस्मत की बात है। रास्ता दिखाइए बतख। ये बतख वाली पगडंडी है डैडी। हम सबको बतखों की तरह चलना होगा। हम बतख के तालाब जा रहे हैं हिल डुल के, और हम बतख देखने जा रहे हैं क्वैक क्वैक क्वैक। हम बतख के तालाब जा रहे हैं। आखिर पापा और उसका परिवार बतखों के तालाब तक पहुँच ही गए। हमने कर दिखाया। आप समय से आ ही गए। मुझे यकीन है कि डाइवर्शन से होकर आने में आप खुश होंगे। हाँ,
ये बहुत मजेदार था। और काफी कम फिसलन वाला। Petro Pony, Candy Cat, Mandy Mouse, Gerald Giraffe और Danny Dog फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो मम्मी, मेरे दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। हेलो पापा, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं? सबसे अच्छा स्कोर पाने वाले को ट्रॉफी मिलेगी। ओह वाओ! पापा को चमचमाती हुई ट्रॉफीज पसंद है। पापा, क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगी? नहीं थैंक यू, मैं अकेले ही खेलूंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अकेले खेलना चाहिए पापा। पर अकेले खेलूंगी तो ट्रॉफी पूरी मेरी होगी। सारे एक तरफ है और पापा उनसे अकेले खेलने जा रही है। अरे नहीं, अच्छी कोशिश थी पापा, एक बार और करो। मुझे और जोर से किक करना चाहिए। लगभग कर ही लिया। बस अब करने ही वाली हो। शायद मेरे दूसरे पैर से हो जाए। तुम्हें अपने बॉल से स्कोर करना है, जूते से नहीं। ये कितना मुश्किल है। तो फिर क्यों ना तुम गोल करो। अच्छा आइडिया है मम्मी, मैं एक शानदार गोल करने वाली बनूंगी। गोल! मम्मी, वो गोल कर पा रहे हैं पर मैं क्यों नहीं? पापा, ऐसा इसलिए क्योंकि फुटबॉल टीम वर्क है। और सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे पास टीम ही नहीं तो तुम टीम में खेलोगे कैसे? क्या मैं आप लोगों की टीम में आ सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल तुम आ सकती हो, हमारे पास एक शर्ट भी बची है, ये रही तुम्हारे लिए। हुर्रे! लेकिन गोल के लिए कौन खेलेगा? मैं खेलूंगी, बस कोशिश करके इसे मेरे पास तक लाओ। पेड्रो, तुमने गोल कर दिया तो ये ट्रॉफी तुम्हें मिलती है। ओह, लेकिन हमने एक साथ मिलकर गोल किया है पापा, एक टीम की तरह। सही बात है, ट्रॉफी तुम सबको मिलेगी। आज पेपा के प्ले ग्रुप का स्पोर्ट्स डे है। एक पिंक टीम है और दूसरी ब्लू टीम। वो गोल्ड मेडल्स जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जीतने वाली हूँ। रिबेका रैबिट को सैक रेस काफी मुश्किल लग रही है। पिंक टीम की एमिली एलिफेंट ने सैक रेस जीत ली है। हुरे! तुम काफी तेज हो। अरे नहीं, मैं हार गई। तुमने पूरी कोशिश की और हम अभी भी जीत सकते हैं। अब समय आ गया है अंडा और चम्मच रेस का। और तेज पेपा। लेकिन पेपा को तेज दौड़ते हुए अपने अंडे को संभालने में परेशानी हो रही है। थोड़ा धीरे पेपा, अंडा ना गिर जाए। ठीक है। थोड़ा धीरे डैडी। लेकिन इतना भी धीरे मत चलो। थोड़ा धीरे, थोड़ा तेज, थोड़ा धीरे, नहीं और तेज। ओह, नहीं। ओह,
दोनों टीम में टाई हो गई है। अगला गेम रिंग टॉस का है। जो टीम लकड़ी की छड़ी पर सबसे ज्यादा रिंग्स फंसाएगी वो स्पोर्ट्स डे जीत जाएगी। हर टीम को इसके लिए एक पॉइंट मिलेगा। ये, ये। हर टीम के लिए एक और पॉइंट। ये अब भी ड्रॉ है। रेबेका और फ्रेडी, अब तुम्हारी बारी है। अगर मैं चूक गई तो हम हार जाएंगे। जीत की परवाह मत करो, बस बेहतरीन खेलो और खूब मजे करो। हम हार गए स्क्वीक, लेकिन हमें बहुत मजा आया। तुमने सही कहा पेपा। बहुत बढ़िया पिंक टीम, आपको मिलते हैं गोल्ड मेडल्स। और ब्लू टीम भी बहुत अच्छा खेली, इसके लिए उन्हें मिलते हैं सिल्वर मेडल्स। पिंक टीम और ब्लू टीम दोनों को स्पोर्ट्स डे अच्छा लगा। सभी को स्पोर्ट्स डे अच्छा लगा। पेपा और एमिली एलिफेंट आज बीच पर खूब मजे कर रहे हैं। उन्हें पानी बहुत पसंद है। देखो एमिली, मैं एक मछली हूँ। छप छप छप। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पानी में कितनी सारी मछलियाँ हैं पेपा? तुमने ये कैसे किया एमिली? क्या तुमने अपनी सांस रोकी थी? नहीं, मैं अपनी सूंड का इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी है। क्या चल रहा है पेपा? काश मेरे पास भी एमिली जैसी सूंड होती ताकि मैं भी पानी के अंदर सांस लेते हुए मछलियाँ देख पाऊँ। मुझे पता है, मेरे साथ आओ पेपा। टरा! ये लंबी सी ट्यूब तुम्हारे मुंह में जाएगी और इससे तुम पानी के अंदर सांस ले सकोगी। एमिली की सूंड की तरह। बिल्कुल एमिली की सूंड की तरह। तुम्हारी आवाज मजाकिया क्यों लग रही है पेपा? ये मेरी सांस लेने की नली है, इसका मतलब मैं तुम्हारी तरह वन में सांस ले सकती हूँ। देखो। नहीं पापा। ओ पापा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सांस लेने की नली ठीक से काम नहीं कर रही और पानी का स्वाद काफी अजीब था। पानी खारा होने की वजह से ऐसा है पापा। तुम्हें सांस नली को अपने होठों से कसकर बंद करना होगा ताकि तुम्हारे मुंह के अंदर पानी ना जाए और तुम सांस ले सको। तुम्हें लंबी लंबी सांसें लेनी होंगी इस तरह। पेपा लंबी लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश करती है। फिर से कोशिश करोगी? ठीक है। रंग बिरंगी मछलियाँ देखी। हाँ बहुत बढ़िया, और मदद करने के लिए शुक्रिया एमिली। और पानी के खारे स्वाद से छुटकारा पाने के लिए जोर जोर मुझे लगा कि तुम्हें ये देना चाहिए। आइसक्रीम। ये कितना पिलपिला है। पेपा और उसका प्ले ग्रुप आज खूब सारे गेम्स खेल रहे हैं। ये जली जैसा लगता है। सही। आहा, ये एक केले जैसा लग रहा है। फिर से सही। ओह, तीस भी के
गीली जैसा लग रहा है। तुम्हारी बारी पेड्रो। लेकिन मुझे पिलपिली सी चीजें छूने में अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं, हमारी पिलपिले चीजें स्वादिष्ट थी। ओह, ये ठंडा है और मेटल से बना है। क्या ये चाबी है? हाँ हाँ, शाबाश पेड्रो। ये हमारे मिस्ट्री बॉक्स की चाबी है। हमें इनाम तक पहुंचने के लिए दो और ढूंढनी होंगी। हम बाकी चाबियां कैसे ढूंढेंगे मैडम गिजेल? बेशक, अपने अगले गेम में। ये पिन्याटा है, इनके अंदर दिलचस्प सरप्राइजेस मिलेंगे। लेकिन ये कैसे करें? तुम्हें ने मार के खोलना है इस नाजुक फोम के बैट से। इसमें बर्फ ही बर्फ है। नहीं, मेरा भी। दूसरी चाबी। बस अब एक और चाहिए। मुझे पास्ता पार्सल बहुत पसंद है। मुझे भी। मुझे भी। ओह, मुझे लगा मैं जीत गया। ये गाना तो बहुत ही लंबा है। ये क्या है? ओ, म्यूजिक रुक गया। अब पेपा और उसके दोस्तों को तीनों चाबियां मिल गई है। अब उनके इनाम पाने का समय है। क्रिसमस बिस्किट्स। यम। तुमने कर दिखाया पेपा। सबने ये मिलकर किया है पेड्रो। आज पेपा के प्ले ग्रुप में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डे है। मैंने आज के लिए खूब सारे मजेदार आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स प्लान किए हैं। पहला है पेंटिंग। लेकिन ब्रश कहाँ है? ये देखो, ये रहे। कोई नहीं जानता कि मैडम गजल कहना क्या चाहती हैं। कहाँ? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हम करेंगे उंगलियों से पेंटिंग। ब्रश की जगह तुम लोग हाथों का इस्तेमाल करोगे। अरे वाह! पेपा और उसका प्ले ग्रुप उंगलियों से पेंटिंग करके मजे ले रहे हैं। कितना प्यारा फूल बनाया पेपा। थैंक यू मैडम गिजेल। कितनी शानदार तितली है सूजी। थैंक यू मैडम गिजेल। और डैनी, ये तो कसाब का कीचड़ वाला गड्ढा। शुक्रिया मैडम गजल। डैनी अपनी पेंटिंग पर कूद रहा है जैसे वो असली कीचड़ वाला गड्ढा हो। बढ़िया आइडिया डैनी। हम अब करेंगे फेस पेंटिंग। हर कोई अपने चेहरे को पेंट कर रहा है। सूजी एक तितली है, डैनी एक ज़ेब्रा है, फ्रेडी और एमिली टाइगर और मछली बने हैं, और पेपा ने खुद को हरा बना लिया है। मैं हरी हूँ। इससे मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है। मैडम गजेल टेप लगा हुआ एक बड़ा कैनवस लेकर आती है। वो क्या है मैडम गजेल? ये तो एक सुंदर सा चित्र है। लेकिन मुझे चित्र नहीं दिख रहा। क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम सब एक एक पेंट की बोतल ले लो और जितना छिड़कना चाहो छिड़क सकते हो इस कैनवस पर। बच्चों, रंग छिड़को, मजे करो, बस जमीन पे मत गिराना।
सभी को बड़े कैनवस पर पेंटिंग करके मजा आ रहा है। ये कितनी सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे भी। लेकिन मुझे चित्र दिख नहीं रहा। जल्दी ही देखूंगी पापा। मैडम गजेल कैनवस से टेप निकाल रही हैं और टेप निकालने की वजह से पेंटिंग बन गई है स्टार। पेपा को प्यारा सा स्टार अच्छा लगता है और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डे भी अच्छा लगता है। पेपा अपने प्लेग्रुप पहुंच गई है। हेलो मैडम गजेल। गुड मॉर्निंग पेपा। तुम बिल्कुल समय पे आई हो एक खास गेम के लिए। मैडम गजेल ने कमरे को चार रंगों में बांट दिया है, लाल, नीला, हरा और पीला। तुम ज्वाइन कर सकती हो हरी टीम पेपा। येलो तुम्हारा बिब। अरे वाह। इस गेम में मैं तुम्हें दूंगी एक कैटेगरी। क्या है? एक कैटेगरी चीजों का ग्रुप होती है। मैं एक कैटेगरी बोलूंगी और तुम्हें अपने रंग से मैच करती हुई चीज तलाशनी होगी। तो अगर मैं कहूँ खाना, इसका मतलब है हमें खाना तलाशना है। खैर वो तो बस उदाहरण था, लेकिन ठीक है चलो शुरू करें। हर कोई इस गेम को खेलने के लिए काफी जोश में है। केले, ये बहुत पीले होते हैं। टमाटर लाल होते हैं। सूजी शीप का खाना नीली ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी से ज्यादा नीला कुछ नहीं होता। ये पत्ता हरा है। अरे नहीं पापा, ये खाना नहीं है, तुम इस पत्ते को नहीं खा सकती। लेकिन कैटरपिलर खा सकता है। बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है कि अगली कैटेगरी है खिलौने, लेकिन मुझे अपनी लिस्ट देखनी होगी जो मुझसे खो गई है। प्ले ग्रुप में सभी को खिलौने ढूंढना पसंद आ रहा है। ये तो बहुत ही आसान था। मेरे पास है एक और कैटेगरी। वो कौन सी है? सब मैडम गजेल को अपनी लिस्ट तलाशने में काफी समय लग रहा है। मिल गई। चलो अब मेरे साथ। अरे रे, हमने गेम पूरा कर डाला मैडम गजेल। हमने पूरे कमरे की सारी चीजें तलाश ली। अगर ऐसा है तो चलो खेलते हैं एक नया गेम, चीजों को फिर से अपनी जगह रखना। हैप्पी ईस्टर बच्चों। पेपा और उसके दोस्त आज ईस्टर की खूब सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। आज मैंने तुम लोगों के लिए एक खास मेहमान को बुलाया है। हेलो बच्चों, ईस्टर बनी ने मुझे आपके साथ कुछ ईस्टर गेम्स खेलने के लिए भेजा है। लेकिन पहले आप सभी को ईस्टर बनी बनना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ कि तुम तो पहले से ही ईस्टर बनी हो। आप ईस्टर के अंडे कौन कौन सजाना चाहेगा? पेपा और उसके दोस्त लकड़ी से बने अंडे पेंट कर रहे हैं। याद रखिए बच्चों, आप अपने ईस्टर के अंडे को जैसा चाहो वैसा सजा सकते हो। हेलो मिस्टर रेग। अरे बाप रे, ऐसा लगता है कि डैनी डॉग को गलती से असली अंडा दे दिया गया है। डैनी, तुम्हारे अंडे का क्या हुआ?
वुफ, मुझे लगता है कि मैंने इसे कुछ ज्यादा ही पेंट कर दिया। अच्छा हुआ मैं एक एक्स्ट्रा लाई हूँ। ठीक है बनीस, मेरे साथ आओ। पेपा और उसके दोस्त खास ईस्टर गेम खेलने के लिए बाहर आ गए हैं। अब हम खेलने जा रहे हैं बनी बॉलिंग। जमीन पर अपने अंडों को रोल करो और देखो कि आप कितने बनी पिंस को गिरा सकते हो। बढ़िया कोशिश मिस्टर एग। ये तो ऊंचा चला गया। लगता है आप सभी जीत गए। बहुत बढ़िया बच्चों, सभी को मिलता है एक खास ईस्टर मेडल। और सबसे अच्छी बात, ये मेडल्स बनी है चॉकलेट से। क्या सबसे ज्यादा चॉकलेट खाने के लिए भी कोई इनाम है? पेपा और उसके दोस्तों को ईस्टर वाकई काफी पसंद आया। आज पेपा और उसका परिवार बतख के तालाब की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में लोहे का एक बैरियर है। माफ करना दोस्तों, रास्ता बंद है। लेकिन हम लगभग तालाब तक पहुँचे गए हैं। मुझे डर है यहाँ काफी फिसलन होगी। चमकीले लाल एरो वाले डाइवर्जन साइंस को देखकर चलते जाएं। आप जल्द ही पहुँच जाओगे। डाइवर्जन का मतलब है कि आपको दूसरे रास्ते पर से जाना है। चलो सब चले। जल्दी मिलेंगे बतख। ये रहा। पेपा को पहला चमकीला लाल एरो मिल गया है और एक और मिला। और एक और मिला। लेकिन आगे वाला निशान तो नीचे गिरा है। उठ जाओ श्रीमान निशान। किसी को नहीं पता कौन से रास्ते पर जाना है। हम दाएं जाएं या बाएं? लगता है दाएं तरफ जाना ही ठीक है। क्या हम खो गए हैं? हाँ, हम खो ही नहीं हैं। हम बस ये नहीं जानते कि हम कहाँ पर हैं। जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, तो आप शायद खो चुके होते हैं। देखो बतख। हेलो बतख। माफ कीजिए श्रीमती बतख, क्या आप जानती हैं बतख का तालाब कहाँ है? क्या खूब किस्मत की बात है, रास्ता दिखाइए बतख। ये बतख वाली पगडंडी है डैडी, हम सबको बतखों की तरह चलना होगा। हम बतख के तालाब जा रहे हैं हिल डुल के, और हम बतख देखने जा रहे हैं क्वैक क्वैक क्वैक। आखिर पेपा और उसका परिवार बतखों के तालाब तक पहुँच ही गए। हमने कर दिखाया। ये। आप समय से आ ही गए। मुझे यकीन है कि डाइवर्शन से होकर आने में आप खुश होंगे। हाँ, ये बहुत मजेदार था। और काफी कम फिसलन वाला। बेबी अलेक्जेंडर और उसकी फैमिली हैप्पी क्रिसमस बोलने आई है, लेकिन बेबी अलेक्जेंडर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेबी अलेक्जेंडर क्यों रो रहा है?
क्रिसमस मजेदार होता है। वैसे बेबी अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस है, उसे नहीं पता ये कितना मजेदार हो सकता है। तब तो ये और भी स्पेशल होना चाहिए। मैं उसे अपनी सारी पसंदीदा क्रिसमस की चीजें दिखाऊंगी। मुझे क्रिसमस डिनर काफी पसंद है। इसमें गाजर, आलू, स्प्राउट्स। नहीं, तुम्हें इसे खाना है, इसे फेंकना नहीं है। चलो कुछ और आजमाएं। टॉफी रैप करना वाकई मजेदार है। आप बुक को ऊपर लगा सकते हैं। नहीं, हमें उन्हें रैप करना होगा ताकि बाकी लोग उन्हें खोल सके। बेबी अलेक्जेंडर को लगता है कि तोहफे रैप करने की बजाय उन्हें खोलने में ज्यादा मजा आता है। मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर को क्रिसमस बिल्कुल ही पसंद नहीं। अच्छा, उसे तो तुम्हारे साथ मजा आ रहा है। लेकिन मैं चाहती थी कि ये उसके लिए थोड़ा और खास हो। अपने चचेरे भाई के साथ क्रिसमस बिताना काफी खास है पेपा। पर वो सब गलत कर रहा है। अलेक्जेंडर अभी बस एक बच्चा है, शायद तुम्हें उसे कुछ आसान सी चीजें करने के लिए देनी चाहिए। क्रिसमस बच्चों के लिए? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। बेबी अलेक्जेंडर को क्रिसमस के तोहफे पास करने में मजा आ रहा है। थैंक यू अलेक्जेंडर, ये तोहफा मम्मी के लिए। और उसे क्रिसमस क्राफ्ट वाकई पसंद है। बहुत अच्छा किया अलेक्जेंडर। और म्यूजिक भी। What fun it is to ride on a one-horse open sleigh. लेकिन उसे सबसे ज्यादा पेपा के साथ क्रिसमस मनाना पसंद है। अब हमें अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस हमेशा याद रहेगा। पेपा और उसकी फैमिली एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं। मुझे एरोप्लेन में उड़ना पसंद है। लेकिन सबको एरोप्लेन में उड़ना पसंद नहीं होता। ओ हेलो मैडम गजेल, जॉर्ज को और मुझे उड़ना पसंद है। क्या आपको भी पसंद है? ओ पेपा, असल में मैं पहले कभी एरोप्लेन में नहीं गई और मुझे डर लग रहा है। ओ, मुझे पता है कि क्या करना है। मिस रैबिट, क्या आप प्लेन को काफी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। मैडम गजेल, जब प्लेन ऊपर जाता है तो वाकई मजा आता है। देखिए, हम लगभग स्पेस में हैं। कितनी ऊंचाई पर है। अब हम थोड़ा नीचे जा सकते हैं क्या मिस रैबिट? क्यों नहीं। बहुत नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे है। चलो एक और चक्कर लगा कर देखते हैं। लगता है कि इससे भी बात नहीं बनी जॉर्ज। देखिए मैडम गजेल, वो बादल चिड़िया जैसा है, देखा आपने? हाँ हाँ, मैंने देखा। और वो एक सुकून देने वाले रेगिस्तानी आइलैंड जैसा लग रहा है। डायनासोर। ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं अपने
अपनी आंखें बंद रखूंगी और ये सब खत्म हो जाने पर खोलूंगी। अरे बाप रे। हेलो, क्या आप दोनों को एक्टिविटी बुक पसंद है? ये बहुत मजेदार है। ओह हाँ, दीजिए। क्या आप इसमें रंग भरना पसंद करेंगी मैडम गजेल? वैसे ये सही रहेगा, इससे मेरा ध्यान उन चीजों से हट जाएगा। और फिर बाकी बची उड़ान में पेपा, जॉर्ज और मैडम गजेल कुछ सुकून भरे रंगों से रंगने लगे। ये देखो लाइन वर्क, देखो तो ये कितने ध्यान से किया गया है, गजब का है, ए स्टार प्लस देने के लायक। हम लैंड कर चुके हैं। कर चुके हैं, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा था, इसमें तो बिल्कुल डर नहीं लगा। मैंने आपसे कहा था उड़ने में वाकई मजा आता है। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू पेपा और जॉर्ज। अब मैं घर के लिए जल्द से जल्द उड़ान भरना चाहती हूँ। पेपा पिग की कहानियाँ। आज बिंडे है, इसीलिए मिस्टर बुल शहर के सभी कचरे के डिब्बे लेने के लिए जल्दी उठ गए हैं। लेकिन कल रात मम्मी और डैडी पिग कचरे के डिब्बे बाहर रखना भूल गए थे। मिस्टर बुल इन्हें मत भूलना। क्या टाइमिंग है, तुमने इन्हें रंगीन बिन बैग्स में छांट लिया है, क्या बात है। मिस्टर बुल, बिन बैग अलग अलग रंग के क्यों होते हैं? देखो, पेपर सिंबल वाला ये लाल बैग है पेपर और कार्डबोर्ड के लिए, और ये नीले बैग जिन पे कैन है ये मेटल के लिए है, और ये हरे वाले जिन पर ग्लास बोतल का सिंबल है वो कांच फेंकने के लिए है। सही कहा, और अब ये छट चुके हैं और अब हम इन्हें साफ करके इनसे कुछ एकदम नया बना सकते हैं। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। पेपा और उसकी फैमिली बेहतरीन ढंग से रिसाइकलिंग करती है। वैसे मैं अभी रिसाइकलिंग सेंटर पर जा रहा हूँ, क्या आप लोग मेरे साथ चलेंगे? हाँ, क्यों नहीं। शायद पहले हमें कपड़े बदल लेने चाहिए पेपा। अब पेपा और उसकी फैमिली तैयार है। मिस्टर बुल ने उन्हें पहनने के लिए खास कपड़े दिए हैं। अब आप बन गए हैं बढ़िया वाली रिसाइकलिंग टीम, तो चलें। मिस्टर बुल सभी को रिसाइकलिंग सेंटर पर लेकर आए हैं ताकि सारा कचरा सही तरीके से छांट सके। मैं बैग उठाऊंगा और आप मेरी मदद करेंगे इन्हें सही डिब्बे में छांटने के लिए, ठीक है? पहला है ये वाला। ये हरे रंग की बोतल है, तो ये जाएगी इस हरे रंग के डिब्बे में। बढ़िया। ओह, ये वाला उस नीले वाले मेटल के बिन में जाएगा। सही है। कागज। शानदार। सभी को कचरे में से रिसाइकलिंग छांटने में मजा आ रहा है। टिन के कैन, कांच की बोतलें, न्यूज़पेपर। लेकिन मिस्टर बुल रिसाइकलिंग को छांटते हुए बहुत ज्यादा थक गए हैं। सब हो गया, बहुत बढ़िया टीम। लेकिन एक चीज रह गई। क्या कहा, किधर? लेकिन रिसाइकलिंग के लिए अब कोई भी थैला नहीं बचा है। ये रहा, ये कांच है, इसका मतलब है कि ये इस कांच के बोतल बिन में जाएगी। रुको! नहीं, ये रिसाइकलिंग नहीं है पापा, दिन भर मेहनत करने के बाद ये मेरा इनाम है। मजेदार।